बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 169 लोगों का अपना घर बनाने का सपना साकार होने जा रहा है। नगर पालिका के प्रस्ताव पर शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धनराशि स्वीकृत कर दी है। जल्द ही नगर क्षेत्र के अंतर्गत लोगों को आवास की राशि प्रदान की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने बताया कि नगर क्षेत्र में 242 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया था। जांच के उपरांत 169 लोगों के आवास समिति द्वारा स्वीकृत किए गए। शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धनराशि स्वीकृत करते हुए नगर पालिका को आवंटित की है। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि नगर क्षेत्र में अब तक कुल 350 से अधिक लोगों को आवास मुहैया कराए जा चुके हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पुरानी किस्त नहीं मिली है उनका भी पैसा नगर पालिका के पास है, लेकिन जिन लोगों ने प्रथम और द्वितीय किस्त का सदुपयोग सही से किया होगा उन्हीं को आगे की किस्त मिल पाएगी। जी देखिए, यहाँ पर अभी 2021 और 22 में जो आवेदन किए थे वो करीब जो है 242 लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के लिए योजना की आवेदन किया था। तो उसमें से जो है नगर पालिका के माध्यम से एक समिति बनती है, समिति द्वारा जो जांच के उपरांत जो सेलेक्ट पाए गए थे वो करीब थे 169 लोगों को आवास मिलना तय हुआ था, और उसमें अभी शासन द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और जिनको कि जिनके पेपर वगैरह कंप्लीट थे और उनको जो है जो भी उसकी प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए कह दिया गया है, और अभी जो है करीब 63 लोगों ने जो है उसमें शपथ पत्र और जो अन्य प्रक्रिया है नक्शा वगैरह वो पूरा करते हुए उनको हमने पहली किस्त इसमें जारी कर दी है। और मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी जो है हमारे बोर्ड द्वारा जो है 2019 और 20 में भी हम लोगों ने जो है करीब 169 लोगों को प्रधानमंत्री आवास जो है वो आवंटित किए थे, तो उसमें से भी अभी कई लोगों के बन चुके हैं और जो है करीब 32 लोगों तो कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी रनिंग में हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से अपील भी करूंगा कि आप जल्दी से जल्द अपना आवास का जो कार्य है अब शेष बचा हुआ उसको पूरा करें, और जो अगली किस्त आपकी बची हुई है वो किस्त आप यहाँ से प्राप्त कर लें, क्योंकि जब तक आप कार्य आगे वाला फेज का कार्य नहीं करेंगे तब तक आपको वो किस्त रिलीज नहीं हो पाएगी। इसमें देखिए, इसमें ये है कि इसमें जो है 4 किस्तों में जो है बांटा गया है, तो जब आपका आवेदन करेंगे आपको पहली किस्त दी जाएगी वो 20,000 रुपये की किस्त दी जाएगी, उसके उसमें आपको जो है फाउंडेशन वगैरह का कार्य पूरा करने के बाद यहाँ पर फोटो वगैरह और जो है हमारे जांच करता जो जांच करेंगे उसके बाद आपको सेकंड किस्त के लिए आप आवेदन करेंगे, तो सेकंड किस्त आपको जो है 60,000 की मिलेगी। उसमें जो है आपको जो है लेंटर तक का कार्य करना पड़ेगा, फिर आपको उसी प्रकार से आगे बढ़ा जब आप कार्य कर लेंगे तो फिर तीसरी किस्त आपको 80,000 रुपये की मिलेगी। तो और उसी प्रकार अगर आपने जब 80,000 तक का यानी प्लास्टर वगैरह का काम कर लिया है तो आपकी जो लास्ट किस्त बची हुई है 40,000 वो आपको रंग पेंट करने के उपरांत वो आपको रिलीज कर दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे कार्यकाल में लगभग जो है 350 लोगों को हमने यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया है, क्योंकि जो पात्र लोग थे, आवेदन तो बहुत लोगों ने किया था पर जो पात्र लोग थे उनको अपना आशियाना मिला है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये मूलभूत आवश्यकता होती है लोगों की। और आज जो है जो हमारे पात्र लोग हैं नए जो वार्ड जुड़े थे उनमें भी कई लोगों को मिला है और जो पुराने वार्ड थे उनमें भी मिले हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जो है बागेश्वर वालों के लिए जो जिनके पास आवास नहीं है उनको एक बड़ी राहत है इसमें। कुछ पुराने लोग की शिकायत भी रहती है कि उनकी जो एक किस्त और दो किस्त मिल गई उसके बाद आगे वो किस्त नगर पालिका नहीं दे रही, क्या वजह इसकी हो सकती है? जी देखिए, पैसा तो उनका आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, पर लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कार्य नहीं कर पाते हैं, जैसे उन्होंने किस्त ली और उस पैसे को कहीं और यूज़ कर लिया, और आजकल आप जानते हैं कि जियो टैगिंग के बिना जो है कार्य नहीं होता है, अगर उनका कार्य आगे नहीं बढ़ेगा तो उनको जो है सेकंड किस्त या थर्ड किस्त रिलीज नहीं होगी जिस स्टेप में जो लेवल बनाए हुए हैं कार्य के, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी शिकायत भी आती है कि वो कार्य नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोगों की शिकायत आती है कि वो जो नक्शा वगैरह दिया है उनके अनुरूप वो कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से भी उनकी किस्त रुक जाती है। तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम भी समझते हैं कि 2 लाख में जो है मकान बनना, 2 कमरे और 1 किचन और 1 टॉयलेट बनना यहाँ पर असंभव है, तो सरकार द्वारा यह एक जो है प्रोत्साहन राशि होती है, सहयोग राशि होती है, क्योंकि कुछ पैसा अपना भी लगाना ही पड़ता है उस पर। तो बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मकान भी बनाए हैं इसमें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनको ये किस्त मिल रही है वो अपना सदप्रयोग करते हुए अपना घर एक अच्छा बनाएंगे। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।